नमस्कार कुंदन जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, कुंदन जी, लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन बंद हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? आप लोग लगातार कह रहे थे कि धरना प्रदर्शन हम लोगों का लगातार जारी रहेगा, इस पे क्या कहिएगा? जी बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपका। धरना प्रदर्शन कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन आगे की रणनीति जारी है जी। आगे की रणनीति का मींस हुआ कि सचिवालय दौरा, कुछ ऐसा गुप्त हम लोग का एक कमिटी बना है जो गुप्त रूप में काम कर रही है। जैसे सीएम का जो हमारा उस दिन सीएम के पास लेटर गया था, उसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग लेटर को जी। और लेटर को फॉलो करते हुए हम लोग को जो मिशन है, मिशन में हम लोग को सफलता हर हाल में किसी रूप में दिलाना है सर। सबसे बड़ी बात यह है, लगे हुए अभी सीएम के पास जो हम लोग डेलीगेशन टीम अग्निपथ और एसटीईटी का साथ में जो हम आंदोलन किए थे 29 जून को, तो वही लेटर के पीछे हम लोग लगे हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि गजट का पालन हो, के गजट का पालन हर हाल में हो, बिहार गजट फॉलो होगा तो सबकी नौकरी सुनिश्चित मानी थी। जी कुंदन जी, जिस तरीके से सीपीआईएमएल विधायक जो है संदीप सौरभ, उन्होंने भी कहा कि हमने सीएम सेक्रेटरिएट में जाकर विज्ञापन सौंपा है एसटीईटी को लेकर, तमाम अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर, तो क्या कुछ बातें हुई थी आपकी विधायक जी से? सर, विधायक जी से तो बहुत कुछ बात हुई थी, बहुत देर तक वार्तालाप चला था। लगभग हम लोग सारी एसटीईटी के मुद्दा पर चर्चा बहुत देर तक किए थे। जैसे विधानसभा का समापन हुआ था, विधानसभा का 30 जून को विधानसभा सत्र, मॉनसून सत्र जो चल रहा था, उसका समापन के बाद हम वेट कर रहे थे जी। और फिर उधर से आए संदीप सौरभ भी आए और भी तमाम वहां पे विधायक आए थे, सारे एमएलए से बात हुई थी। तो उसमें वार्तालाप रखा गया था, भैया हम लोग को न्याय कब मिलेगा? एसटीटी 2019 वाले सारे अभ्यर्थी रोड पर हैं, आज नहीं 19, 20, 21, 22 बार बार हम हाथ जोड़ाते हैं और गिनाते हैं कि 4 सालों से हम लोग भटक रहे हैं, इसका न्याय कब मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि सब कुछ सरकार करा रही है, सरकार अभी नहीं चाहती है बहाली करवाना, सीधा सीधी सरकार झूठ मूठ को सिर्फ फंसाना चाहती है, सब सरकार पे डिपेंड रहता है, सब कुछ सरकार जब चाहेगी सरकार पे प्रेशर बिल्ड करना होगा और प्रेशर हम लोग बिल्ड किए हुए हैं, चाहे तो जिस प्रकार से हो, सचिवालय हो, चाहे तो सीएम सेक्रेटरिएट हो या फिर और भी तमाम ऐसे कई मंत्री हैं, विधायक हैं, हम लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बात हुई सकारात्मक रही, संदीप सौरभ जी से सकारात्मक बात रही और डेलीगेशन, उसका डेलीगेशन टीम का इफेक्ट रहेगा, काहे कि अग्निवीर का मामला जो अग्निवीर चल रहा था, तो हमारा यही, इसीलिए हम लोग आंदोलन निकाले थे, सारा तैयारी करके हम लोग आंदोलन निकाले थे कि सर अग्निवीर का तो सरकार कह रही है, अग्निवीर की ये राज्य का मामला है, मतलब केंद्र का मामला ये है, राज्य का मामला नहीं है, ये राज्य का आ जाता है मैटर, आप लोग राज्य के, एक राज्य के कुछ नहीं कर सकते हैं, ये केंद्र का मामला है सर। तो एस्टेट वीर का जो मामला है, एस्टेट वीर का मामला ऑलरेडी तो वो राज्य का मामला है, तो उसका आवेदन को उसके जो डेलीगेशन टीम गई उसको तो खारिज कर दिया गया, लेकिन हम लोगों का जो एस्टेट वीर पे तो न्याय दिया जाए, एस्टेट वीर के जो डेलीगेशन टीम आंदोलन को एक्सेप्ट किया गया इस पे तो न्याय दिया जाए, तो बहुत अच्छा रहा सर। उस दिन अगर 29 जून को अगर हम लोग आंदोलन नहीं करते तो सकारात्मक जो जितना बढ़िया रहा वो 29 जून को अच्छा रहा कि सारे विधायक के साथ और अग्निपथ के साथ मेरा आंदोलन बहुत सफल रहा, बहुत सफल रहा। बस उसके पीछे काम करना है हम लोगों को, अब आंदोलन की जरूरत नहीं है, वहां से ही कहा गया उसके पीछे लग करके लेटर को हर जगह शिक्षा विभाग हो या तो फिर शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे उस लेटर को बहुत बड़ा वैल्यू होता है सर। सीएम के जो जो फॉलो होता है उसको सिर्फ
सीएम के द्वारा जो देखते हैं रिसीविंग होता है, उसपे पीए का बहुत तो उसका एक वैल्यूएबल होता है, उसके पीछे हम लोग को काम करना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुंदन जी, आने वाले दिनों में आप लोग प्रदर्शन करेंगे या फिर प्रदर्शन जो है अब बंद हो गया और बंद ही रहेगा? सर, प्रदर्शन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अब सीएम के यहाँ से गए थे सेक्रेटरियट में, तो सीएम का भी बात जो वहां पे है, सीएम के जो पीए हैं या उनके निजी सचिव हैं, उनका भी बात हम लोग को मानना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि कुछ दिन के लिए आप लोग स्थगन कर दीजिए, इसीलिए तो नहीं हार मान, कहीं ऐसा तो नहीं हार मान गए एसटीटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी? नहीं सर, हम कभी हार नहीं माने हैं और ना कभी मानेंगे। आप देखे भी होंगे, अकेले हम छतरी लेके आंदोलन के लिए निकल जा पड़ते हैं। और क्या एकता नहीं है क्या कुंदन जी, एकता नहीं है क्या? अकेले हमेशा आप ज्यादातर रहते हैं, क्या एकता नहीं है क्या आप लोगों में, एसटीटी के तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थियों? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। एकता बिल्कुल है, बिल्कुल एकता है। कुछ दो चार पांच लोग होते हैं जिनकी मानसिकता गलत है, भले वो उनकी सोच गलत होती है, लेकिन एकता की तो बात की बात है। अकेले हम जब लड़ने के लिए तैयार है, अकेले एक अकेले आंदोलन को जिंदा रख सकता है। आंदोलन को जिंदा रखने के लिए एक भी बंदा काफी होता है सर, पता ही नहीं होगा। जीएनएम की छात्राएं आज डेढ़ मन से बैठी हुई थी, एक अकेले एक के, तो क्या उसको आंदोलन नहीं कहेंगे? अगर एक भी आंदोलन कर रहा है तो एक भी हम अगर एक्टिव है तो ये आंदोलन स्थिति जिंदा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। अकेले लड़ते रहेंगे जब तक एसटीटी का ही सरकार न्याय नहीं दे। और सर, हम तो एक बात बहुत अहम बात है, आपको भी पता होगा, शिक्षा मंत्री के खिलाफ हम बोले हैं सराय रेंजर में, हम लोग स्टेट अभ्यर्थी चुनाव लड़ेगा। अगर मान लिया जाए स्टेट अभ्यर्थी को नौकरी दे दे, हम लोग ऐसे भी रोड पर हैं, और अगर हम लोग को नौकरी मिल जाती है प्लस टू हाई स्कूल में जब ज्वाइन कर जाएंगे तो क्यों चुनाव लड़ेंगे? अगर नौकरी नहीं दीजिएगा शिक्षा मंत्री जी तो चुनाव लड़ेंगे स्टेट अभ्यर्थी। कुंदन जी शिक्षक बनने आए थे, नेता बनने जा रहे हैं? नहीं सर, आए थे नेता बनने जा रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। चुनाव लड़ने का मतलब, आपने बताया कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने का पर्पस ये नहीं है। पर्पस ये है कि शिक्षा मंत्री जी ऐसे ऐसे अशिक्षा मंत्री बन जाते हैं, उनको अशिक्षा मंत्री कहेंगे कि बताइए स्टेट अभ्यर्थी का कोई डेडलाइन फिक्स नहीं, कितना बरगलाए हैं, कितना स्टेट अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं, पता है कितना भाइयों का स्थिति एज एक्सपायर कर गया, कितना बहने दो चार को ऐसी हैं कि जो सुसाइड कर गई है। सर बताइए, आप लोग धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी बात करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जी, आपने सुना है एसटीटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे कुंदन का क्या कुछ कहना था। देखिए, लगातार आंदोलन कर रहे थे, फिलहाल जो आंदोलन है वो इन लोगों का स्थगित हो गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो बातें निकल के आई, साफ साफ उनके अधिकारियों का कहना था कि आप लोग धरना प्रदर्शन बंद कर दे, कुछ दिन इंतजार कर ले, आप लोगों की बहाली जो है वो जल्द हो जाएगी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इनकी बहाली कब तक होती है, और जो आंदोलन है वो स्थगित है। फिलहाल हार नहीं मानने वाले हैं ये अभ्यर्थी, और कुंदन का साफ साफ कहना है कि सराय रंजन से आने वाले समय में हम चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार अभ्यर्थी है, काफी परेशान है, और शिक्षा मंत्री इन बेरोजगार अभ्यर्थियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहना है कुंदन का। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।